अपराजिता पौधे को फिर से फूलों से भरने के लिए इनको हम खाना दे देते हैं, क्योंकि देखिए अभी मौसम चेंज हो चुका है, ऑटम चल रहा है और इस टाइम पे पौधे थोड़े से जो है फ्लक्चुएट हो जाते, तो इनको अंदर से मजबूती देने के लिए फूलों की जो है कमी ना हो, इसलिए हमें इनको जो है भरपूर पोषक युक्त जो है खाना देना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस बारे में आज हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरी गार्डन में स्वागत है। इस टाइम पे पौधे थोड़े से फ्लावरिंग में कमी कर देते हैं और इनकी कई बार देखेंगे कि पत्तियां जो है येलो वगैरह जो है होने लगती हैं। अगर आप सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो मे बी ना हो, लेकिन ये बाय नेचर है, इनकी पत्तियां येलो हो जाती हैं। तो चलिए इसका जो है हम उपचार करते हैं। तो सामने देख रहे हैं ये है मेरी अपराजिता का पौधा, व्हाइट कलर के फ्लावर, अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए प्रॉपर जो है इनके फूल जो है पूरी तरीके से जो है खुले नहीं है, अभी धीरे धीरे क्या है ये खुल रहे हैं। खुलने के बाद बहुत ही प्यारे से जो है इनकी लुक आती है और ये पौधा काफ़ी अच्छा से हेल्दी चल रहा है। आपको जैसे पता है कि मेरे प्लांट में जो है स्पाइडर का जो अटैक हो गया था, स्पाइडर जो होते हैं पत्तियों को पूरा जो उन्होंने कुतर दिया था, लेकिन अब ये समस्या जो है सॉल्व हो चुकी है। तो देखिए ढेरों फूल लेने के लिए सबसे पहला रूल वही है जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जितने भी स्पेंट फ्लावर है या फिर जो सीड बन रहे हैं उनको क्या है आप पौधे से रिमूव कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा। आधी एनर्जी इनको ऐसी मिल जाती है दोबारा से फ्लावरिंग पे आने के लिए, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये पौधा जो है भर भर के फूल देने वाला पौधा है और ज्यादा फूल देगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी उतनी ही लगेगी। तो इनकी एनर्जी को फिर से दोबारा से भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें क्या है इनको जो है खाद देना बहुत जरूरी है। अभी मैं लास्ट 1 मंथ हो गए इस अपराजिता पौधे पे मैंने दोबारा से जो है कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, लेकिन अब टाइम जो आ जाता है कि हम इनको जो है खाना वगैरह दे दे। तो अभी भी देखिए फ्लावरिंग चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं चल रही जितनी मात्रा में पहले जो है बिल्कुल ही भरे होते थे फ्लावर, लेकिन अभी जो है चल रहे हैं, यानी कि मान ले तो 30% जो है फ्लावरिंग इसमें जो है कमी हो गई है। तो हम दोबारा से इनको खाद दे देंगे तो फिर से जो है ये फ्लावरिंग जो है करने लगेंगे। अभी ये नवंबर तक फ्लावरिंग करेंगे, जब ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी दिसंबर जनवरी के जो मंथ होता है तब ये जो पौधे होते हैं थोड़े से जो है रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये हमने नोट करना है, पौधे को देखिए टाइम टू टाइम थोड़ा सा जो है सॉफ्ट प्रून करते रहिएगा, जिससे क्या होगा नए ब्रांचेस आएंगे और नए ब्रांचेस आएंगे तो कलियाँ बहुत सारी जो है आएंगी, आपको जो है खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इनको जो है टाइम टू टाइम जो है सॉफ्ट प्रून करते रहिए। और मेरे पास 2 और पौधे हैं जिनको क्या है मैं प्रॉपर ही हार्ड प्रून कर दिए थे, क्योंकि उसमें जो है स्पाइडर का अटैक हो गया था, लेकिन क्या है अब वो जो है ब्रांचेस बहुत सारे उसमें आ गए हैं और बहुत जल्दी वो पौधा जो है फ्लावरिंग पे जो है आ जाएगा। तो एक बात का ध्यान दें, अगर आप सॉफ्ट प्रून करते हैं तो चलिए फूल तो आते रहते हैं, लेकिन जब आप हार्ड प्रून करते हैं तो फूल आने में लगभग क्या है 10 से 15 दिन का जो है टाइम लग जाता है। तो अगर आप थोड़े से इंतजार करना चाहते हैं फूलों को लेने के लिए तो आप हार्ड प्रून भी जो है पौधों को कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो अगर आपके पास सिंगल प्लांट है तो हार्ड प्रून ना करें, हल्का हल्का जो ट्रिमिंग जो है कर सकते हैं, जिससे क्या है बहुत सारे पौधे बोल रही हूँ बहुत सारे ब्रांचेस जो है मल्टीप्लाई होंगे और जितने ब्रांचेस होंगे उतनी मात्रा में जो है कलियाँ भी आएंगी और फ्लावरिंग जो है आपको देखने को जो है मिल सकता है। इसीलिए पौधे को जो है टाइम टू टाइम जो है सॉफ्ट प्रून जो है करते रहिएगा। आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि मेरे पौधे की कुछ पत्तियां तो आपको येलो येलो से दिखाई दे रही है और कुछ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रही है। तो जो लीव्स आपको ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रही है ये बिल्कुल जो है प्रूनिंग करने के बाद जो है न्यू ब्रांचेस जो आई है वो बिल्कुल फ्रेश और क्या है बिल्कुल जो है जैसे कलर होती है पत्तियों की वैसे वैसे आई है, और जो थोड़ी थोड़ी चीजें डल सी जो आपको दिखाई दे रही है ये जो है पुरानी पत्तियां हैं। तो ये देखिए ये सारे जो है नए नए ब्रांचेस आए हैं, देखिए नए नए ब्रांचेस के साथ साथ क्या है कलियां भी जो है आने लगी हैं और फ्लावरिंग भी जो है होने लगी है। तो देखिए ये सारी जो है नई ब्रांचेस है, तो सॉफ्ट प्रून करने का जो है बहुत सारे जो है फायदे हैं, तो आप टाइम टू टाइम पौधे पे जो है सॉफ्ट प्रून कर सकते हैं। और जरा इस पौधे में नोट कीजिए, इसमें देखिए मैंने बिल्कुल ही हार्ड प्रून कर दिए हैं और इनको किए हुए देखिए दोस्तों 1 हफ्ता का टाइम जो है हो गया, 1 हफ्ते में देखिए फिर से जो है इनमें ब्रांचेस जो है आने लगी है देखिए। और इससे फायदा क्या होगा, देखिए पौधा क्या है एक छोटे में रहेगा और बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे और कलियां आएंगी, तो छोटे में ही जो है ये फूलों से जो है लदा रहेगा, तो ये भी जो है आप कर सकते हैं। तो ये देखिए अब धीरे धीरे क्या है इसकी ग्रोथ जो है आने लगी है और जो जितने भी पहले जिन पत्तियों को जो स्पाइडर ने खा लिया है वो पत्तियां है नहीं उनको मैंने रिमूव कर दिया, अब नए सिरे से ये पौधा जो है ग्रोथ करेगा और छोटे में क्या है एक बोनसाई का जो है लुक ले सकता है। तो फ्यूचर में जो है आपको मैं अपडेट देती रहूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं 4th नंबर यानी कि फर्टिलाइजर जो है हम दे देते हैं पौधों में।
और ये जो डबल पेटल का मेरा फ्लावरिंग प्लांट है इसमें क्या है, अभी तक कोई भी सीड पॉड नहीं बना, इसलिए क्या है देखिए इनकी जो है मैंने कटिंग यहाँ पे लगाई हुई है, कटिंग लगे हुए 15 दिन हो गए, लेकिन इनकी कटिंग तो है बिल्कुल ताजी है, लेकिन क्या है इसमें अभी तक कोई शूट वगैरह नहीं निकले, तो देखते हैं फ्यूचर में कटिंग लग पाती है या नहीं लग पाती है। तो चलिए बात करते हैं खाद देने की। तो खाद देने से पहले क्या है, गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। तो देखिए मिट्टी में थोड़ी सी जो है नमी है, तो अगर इतनी नमी है तो भी जो है हम खाद दे सकते हैं, ज़्यादा ड्राई भी नहीं, ज़्यादा ड्राई मिट्टी हो तो भी जो है खाद नहीं दे। अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी जो है हल्की बहुत जो है उसमें नमी होना चाहिए। तो गमले की गुड़ाई करने के बाद अच्छी तरीके से आप चाहे तो जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनको हटा के न्यू फ्रेश मिट्टी जो है आप डाल सकते हैं, लेकिन क्या है मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। तो गुड़ाई करने के बाद चारों तरफ क्या है हमने गमले के सर्कल में जो है थोड़ा थोड़ा जो है गहराई कर देना है, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल सेंटर में आप इकट्ठा कर दीजिए। ये बड़ा इजी तरीका है खाद देने का। अब देखिए स्पेस बन गया खाद देने के लिए। जो सबसे पहले मैं खाद दे रही हूँ ये है दोस्तों, ये है पोटाश। पोटाश देखिए ग्रेनुलर फॉर्म में भी आता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, तो ये है पोटाश। आपको इजी जो है सीड शॉप पे जो है मिल जाएगा, ऑनलाइन तो मैं बोलूंगी नहीं कि आप परचेज कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जितने रुपये में परचेज करेंगे उतने रुपये में जो है आप लोकल परचेज करेंगे तो आपको 3 गुना 4 गुना जो है आपको क्वांटिटी मिल जाएगा, इसीलिए जो है ऑनलाइन इसके बहुत जो है महंगे रेट है, मैंने सर्च किए हैं। और ये लोकल क्या है 30 रुपीज पर केजी मुझे जो है इजीली मिल गया। जो बड़े शॉप होती है ना पंजाब, ये मैं जहाँ से लेके आई हूँ, जहाँ पे पंजाब कृषि विभाग है वहाँ से जो है मैं लेके आई हूँ, वहाँ पे बिल्कुल सस्ते में मुझे जो है मिल गया है। तो एक चम्मच के करीब जो है हमने ये जो सीविट बोल रही हूँ पोटाश जो है डाल देना है। अगर पोटाश नहीं है तो क्या कोई चिंता वाली बात नहीं, आप केले के छिलके डाल सकते हैं। और ये दूसरा फर्टिलाइजर है, ये चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ यही एक फर्टिलाइजर जो है दे सकते हैं। ये है देखिए बहुत सारे छिलके मिला के ये जो है फर्टिलाइजर बना हुआ है, पोटैटो के छिलके हैं, अनियन के छिलके हैं, बनाना के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, सभी को मिला के जो है मिक्स करके जो है मैंने इकट्ठा रख लिया है, वीडियो भी जो है मैं आपके साथ जो है शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो तीसरे नंबर पे है ये है एप्सम सॉल्ट, ये इसलिए दे रहे हैं देखिए दोस्तों क्या है अभी ऑटम चल रहा है, इस टाइम पत्तियों का कलर जो है चेंज होने लगता है, कई बार क्या है पौधे की पत्तियां जो येलो येलो सी जो होने लगती है, डल सी होने लगती है, तो उसको क्या है ये रिफ्रेश करेगा, इसको जो पत्तियों को जो अच्छे तरीके से जो है कलर मेंटेन रखेगा। तो ये एप्सम सॉल्ट एक चम्मच के करीब जो है हमने दे देना है। और ये जो पॉट है मेरा 20 इंच का पॉट है, और ये दूसरा जो बिल्कुल दूसरा बोल रही हूँ, ये चौथे नंबर पे फर्टिलाइजर जो है ये है खाद। कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, चाहे घर पे बनाते हैं वो, चाहे काउडंग, चाहे वर्मी कंपोस्ट। मैं यहाँ पे जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 चम्मच के करीब जो है मैंने दे दिए हैं वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद जो है हमने देना है दोस्तों फंजीसाइड। फंजीसाइड की जगह पे क्या कर सकते हैं आप, हल्दी सिंपल दे सकते हैं। तो ये देखिए फंजीसाइड 1 चम्मच करीब लेना है और चारों तरफ जो है हमने मिला देना है। इससे क्या है कोई भी जो है फंगस वगैरह जो है नहीं पनपने पाए। जैसे मौसम चेंज होता है तो क्या होता है देखिए बहुत सारे कीट पतंगे भी जो है पनपते हैं, तो मिट्टी में फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्या हल्दी या फिर नीम खली भी दे सकते हैं, और या फंजीसाइड है तो फंजीसाइड जो है दे सकते हैं। तो सारी की सारी खाद हमने दे दी। अब क्या है हमने क्या है इनको मिट्टी से कवर कर देना। जरूरी नहीं है कि जो चीजें हम मैंने दिए हैं आपने सिर्फ वही देने, इसका जो है ऑप्शन भी है जो मैं आपको जो है मेंशन कर दूंगी, तो आप वो भी जो है दे सकते हैं। तो देने के बाद देखिए अब क्या है हम इनमें जो है पानी दे देंगे। अब हमें क्या है इनको खाद देने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी अगले 1 महीने तक, लेकिन बीच बीच में हमें इनको जो है जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है उसको जो है फीड करते रहना चाहिए, यानी कि 15 से 20 दिन के गैप पे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन जो है आप मान के चलिए। तो इनको जो है कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे देना है अगर आपको फूलों से भरा हुआ ये पौधा चाहिए तो। अगर आपने भी डबल पेटल के फ्लावर लगाए हैं तो उनके बीज बन गए हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि कैसे पोलिनेट किए हैं या अपने आप बने, क्योंकि मेरे प्लांट में अभी तक कोई भी सीड पॉट जो है बना नहीं है, इसलिए क्या है मैंने इसके बहुत सारे पौधे जो है कटिंग के थ्रू जो है बना लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ, ये व्हाइट व्हाइट सा क्यों है क्योंकि जो मेरे पास अभी फंजीसाइड था वो व्हाइट कलर का था, ये खत्म हो गया, सीडलिंग किए थे तो वही पानी बचा है, तो इनको जो है मैंने दे दिए।